मर्जी के बिना कभी भी इस घर से कदम बाहर मत निकालना। बदतमीज आदमी, ठंड लग रही है तो लगने दो, मुझे क्या। लड़की अब कहां चली गई? डॉक्टर साहब, अम्मी को होश कब तक आएगा? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। अरे असलम भाई, आपने रोशनी को देखा? नहीं नहीं देखा नहीं भाई। भाई कल शादी हुई है आपकी, अभी से वाइफ के लिए इतना डेस्परेशन, टू मच। मेरी मर्जी के बिना कभी भी इस घर से कदम बाहर मत निकालना, ना ही ऐसा कोई काम करना जिससे इस घर की इज्जत पर आंच आए। मैंने कहा था तुम्हें मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाओगी, फिर भी तुम गई। कहां गई थी? मैंने तुझसे कहा था ना अमन, ऐसे खानदान की लड़की को इस घर में लाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। आज तक मैं लोगों से दूसरी औरत होने का ताना सुनती रही, और अब हमें यह सुनना पड़ेगा तूने एक नाचने वाली से शादी कर ली। ऐसे खानदान की लड़कियां शरीफ घरों में एडजस्ट नहीं हो सकती। पर शादी का जोड़ा पहनकर, शादी की पहली रात को अपने पति को अकेला छोड़कर कहां गई थी तुम? हाँ देखिए, मैं अब अमन, इस लड़की को इस घर में लाने से बेहतर होता कि तू मुझे मर जाने देता। ये तो क्या कह रही है परवीन, क्यों इस बेचारी को ताने दे रहे हो? आपकी अम्मी तो ठीक है ना? क्या
इनकी अम्मी को क्या हुआ? इसकी अम्मी बीमार हैं, आईसीयू में है। मुझे नहीं पता था। बताया उसे जाता है जो सुनना चाहे। रोशनी मुझे बताकर गई थी। भाई वो एक्चुअली मैंने ही ड्राइवर चाचू से कहा था कि इन्हें हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दें। जो तुम अपनी अम्मी के घर पे करती हो वो यहाँ नहीं कर सकती। जब तक इस घर में हो तब तक मेरी मर्जी के बिना एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। Stand. चाची प्लीज डोंट कराए। अगर आज होती मुझे भी लोन आ जाता है और मेरी नोज भी बहती है। ऐसी बात है तो मैं नहीं रहूंगी। ओके छोटू। क्यों छोटू? मिस्टर छोटू। ओके मिस्टर छोटू। भाभी आपकी संगीत की ड्रेस आ गई है, एक बार ट्राई कर लीजिए। इसकी अम्मी बीमार हैं, आईसीयू में है। मैंने ड्राइवर चाचू से कहा था कि इन्हें हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दें। दादी मुझे सच में नहीं पता था कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। उसने तुझे भी बताने की कोशिश की थी अमन, लेकिन तुम लोग जो उसके साथ बर्ताव कर रहे हो ना, जिस तरह से उसे ट्रीट कर रहे हो वो सही नहीं है अमन। वो सही कहती है, तेरे लिए तेरी अम्मी अम्मी है लेकिन उसकी अम्मी कुछ भी नहीं। वो चाहती तो वापस घर भी ना आती, लेकिन वो आई क्योंकि उसे पता था कि हमें उसकी जरूरत है। अपनी अम्मी को वहां आईसीयू में छोड़कर आई। उसने तेरी अम्मी की जान बचाई है अमन, और तू तू उसकी अम्मी को हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं जा सकता? अगर तुझ में जरा सी भी शराफत बची है ना, तो हम सबको उसकी अम्मी को देखने जाना चाहिए। अमन अम्मी ठीक कह रही है। अम्मी बीमार है, आईसीयू में है। मेरी मर्जी के बिना कभी भी इस घर से कदम बाहर मत निकालना। लुक एक्सचेंज किया है तो बात भी तो कर लीजिए ना। आखिर हम भी तो क्यूरियस है ना कि क्या बात करोगे आप। चाचू क्या आप चाचू के लिए गाना गाएंगे जैसे मूवीज में गाते हैं? ओह।